यही तो पता चलाना है हमें। सरकार ने तो उसको सर पे चढ़ा लिया है। वो लड़की जिसके दम पर यहाँ आई है उसके खिलाफ कैसे बोलती है? कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है यार। ताया को क्यों कॉल कर रही हो? सब ठीक है? वलीमे के लिए इनवाइट करना। किसी ने कुछ कहा? इंसान की औकात उसकी लोकेलिटी से पता चलती है। मसला ये है कि तुम मेरा यकीन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है। जो जहाँ से आया होता है ना उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, तभी तो उसको हम निकाल सकेंगे यहाँ से। ड्रामा सीरियल कफारा की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सलार का बाप सितारा से पूछता है कि आप अपनी मर्जी से शादी करके आई हैं सलार के साथ या उसने आपको फोर्स किया? तो सितारा कहती है कि मोहब्बत हो गई थी मुझे आपके बेटे से। तो ताहिर साहब आगे से कहते हैं कि वो मोहब्बत हो गई थी तो इसीलिए आप उसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। तो सितारा आगे से कहेगी एक्चुअली मेरा लहजा ही ऐसा है, मैं बात ही ऐसे करती हूँ। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सितारा की दोस्त किरण से कह रही होती है कि उसे तो आना ही होगा, लेकिन मैडम बड़े घर में जाके हमें भूल ही गई है। तो आगे से सितारा की ताई कहती है कि वो बड़े घर में कोई इज्जत से नहीं गई बल्कि बेइज्जत होके गई। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि महरीन बेगम सितारा से कह रही होती है कि तुम्हारा शौहर घर छोड़ने के लिए बैग पैक कर रहा है और तुम कह रही हो कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। तो सितारा कहती है कि उस बैग में मेरा कोई सामान नहीं है जो मैं किसी को जवाब दूँ। तो महरीन बेगम आगे से कहेगी कि तुम लेकर ही क्या आई थी इस घर में, खाली हाथ मुंह उठा के तो चली आई थी। तो सितारा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है।